हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को खत्म कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा अप्रोक्सीमेट पीरियोडिक टेबल 100% अप्रोक्सीमेट मतलब 99% हम बोल सकते हैं कि खत्म हो गया है। बस कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जो हमको पढ़ना चाहिए, आज हम उसको पढ़ते हैं। उसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हमको उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते बच्चों यहां से हम हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी, अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। हाइड्रेशन एनर्जी आपका होता क्या है, अब ध्यान से समझना, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, इक्वेशन के हिसाब से समझेंगे। देखो ये मेरे पास गैसेस आयंस है, गैसेस आयंस को मैं अगर इसको एक्वस कंडीशन में बना दूं, कौन से कंडीशन में, एक्वस कंडीशन में, यहां पर ये, ठीक है, यहां पर H2O के साथ, ठीक है, हाइड्रेशन का मतलब H2O, ठीक है। तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, यहां से रिलीज होगी। अब इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इसी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी, जो कि आपकी क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों होती है बच्चों, ये आपका हाइड्रेशन एनर्जी हम इसको बोलेंगे, ये नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि अमाउंट क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, रिलीज हो रही है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। अब समझते हैं कि हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इधर ध्यान से समझना, वन मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज इन वन मोल गैसियस आयन, आयन का मतलब आपका कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है, यहां पर आपका कैटायन और एनायन दोनों हो सकते हैं। देखो अगर मैं कैटायन के केस में बात करूंगा तो कैटायन के केस में भी H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहां पर A एक्वस और यहां पर प्लस चार्ज, और यहां पर भी एनर्जी आपकी रिलीज होगी, दोनों एनर्जी आपका हाइड्रेशन एनर्जी होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी, डेल्टा H के टर्म में हम इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलेंगे। अब देखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज इन वन मोल गैसियस आयन is completely hydrated, this type of energy is called hydration energy, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, इन सब में कंफ्यूजन हुआ होगा, तो ध्यान से एक बात समझना यहां पर कि अब देखो हम क्या करते हैं, यहां पर मैं आपको बताता हूं, देखो डेल्टा H इक्वल टू माइनस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, हाइड्रेशन एनर्जी, यहां पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। देखो इसको तो हम बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी का नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपका क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, यह आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसी तरीके से सिमिलरली मैंने आपको लिखाया होगा बच्चों, डेल्टा H इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो आपका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसका जो डेल्टा H होता है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका क्या हो जाता है बच्चों, यहां पर नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब भी आपसे पूछता था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, तो आप क्या करते थे, जो आपका मैग्नीट्यूड में, यहां पर हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड, तो जो आपका वैल्यू सबसे ज्यादा
वो हुआ करता था, वो होता था। लेकिन जैसे ही मुझसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद, आपसे पूछा जाएगा एक बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद द नेगेटिव साइन, तो हम उल्टा चलेंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे आपका क्या होता है, एक एक आपका यहां पर एक आपका वैल्यूज होता है, ठीक है, और उसके नेगेटिव साइन को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे, उसके लिए हम सिंपल। इसी तरीके से हाइड्रेशन एनर्जी के लिए हम सिंपल यूज करते हैं, लेकिन आपका अगर एंथैल्पी पूछा जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन, क्योंकि यहां पर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी क्या हो रही है बच्चों, रिलीज हो रही है। अब देखते हैं बच्चों इसका पीरियोडिक टेबल पे ट्रेंड कैसा होता है, तो देख लेते हैं बच्चों इसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल्स, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर देख लेते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल पे इसका ट्रेंड कैसा होगा बच्चों, ठीक है, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। अब मैं आपको सिंपल बताता हूं, देखो डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो आपका क्या बढ़ेगा बच्चों, साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने की वजह से आपके हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, आपके कम हो जाएगी। तो अब मैं आपको बता सकता हूं यहां पर कि ऊपर जाएंगे तो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी, मतलब ऊपर जाएंगे तो हम लोग यहां पर क्या देख सकते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि आपका साइज क्या होगा, ऊपर जाने पर छोटा होगा, ऐसा ही बोल सकते हैं, या फिर हम यहां पर बोल सकते हैं ऊपर जाने पर साइज आपका क्या होगा, छोटा होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहां से यहां मूवमेंट करूं तो एक्चुअली में आपका जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी इज डिपेंड ऑन चार्ज अपॉन आर, मतलब चार्ज अपॉन आर, यहां पर प्लस चार्ज हो सकता है, ये भी आपका प्लस, या फिर हम बोल सकते हैं और माइनस, और यहां पर माइनस, ठीक है। दिस इज फॉर व्हाट एनायन एंड दिस इज फॉर व्हाट कैटायन, ठीक है। अब देखो चार्ज अपॉन आर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो चार्ज अपॉन आर को हम बोल सकते हैं चार्ज डेंसिटी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज डेंसिटी, मतलब क्यू अपॉन आर को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, चार्ज डेंसिटी, दोनों को चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, दोनों को हम बोल सकते हैं बच्चों चार्ज डेंसिटी। अब देखो चार्ज डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, सिंपल समझना यहां पर। अब देखो ऊपर से नीचे जाऊंगा तो यहां पर आपका लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, चार्ज सारे सिमिलर है, लेकिन आपका रेडियाई क्या हो रहा है बच्चों, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, तो हाइड्रेशन एंड एनर्जी ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो यहां पर साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, और हाइड्रेशन एनर्जी आपका बढ़ जाएगा। लेकिन क्या होता है, ये तो था हमारा इन ग्रुप की बात कर ली बच्चों मैंने, अब मैं बात कर लेता हूं इन पीरियड में हम कैसे निकालेंगे। इन पीरियड में देखो यहां से यहां मूव करेंगे, यहां तो आपका Na प्लस होता है, सिंपल मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, Na प्लस, Mg प्लस 2 और यहां पर Al प्लस 3। तो आप देख सकते हो कि यहां से यहां मूव कर रहे तो आपका क्या बढ़ रहा है बच्चों, यहां से यहां मूव कर रहे तो आपका यहां पर चार्ज बढ़ रहा है, यहां से यहां मूव कर रहे तो आपका क्या बढ़ रहा है बच्चों, यहां पर चार्ज बढ़ रहा है। अब यहां से यहां मूवमेंट करेंगे तो आपका चार्ज बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर चार्ज बढ़ेगा तो यहां पर आपका हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर आपका हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो इन पीरियड में हम क्या देखेंगे, चार्ज, और इस ग्रुप में हम क्या देखेंगे बच्चों, साइज, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं कैटायन के केस में, एनायन के केस में बात करूं तो एनायन के केस में क्या होता है बच्चों, डाउन टू ग्रुप तो वैसा ही रहेगा, हाइड्रेशन एनर्जी आपकी यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आपका कहां बढ़ रहा है चार्ज यहां से यहां बढ़ रहा है बच्चों, N3- O2- F- तो यहां से यहां चार्ज बढ़ेगा NN के केस में,
तो एनायन के केस में अगर मैं इन पीरियड बात करूंगा तो यहां पर आपका हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। इस तरीके से यहां से यहां मूव करेंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे और टॉप टू बॉटम। तो एनायन के केस में आप देख सकते हो कि चार्ज कहां बढ़ रहा है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट जाने पर। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर आपका चार्ज कहां बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर। थोड़ा सा इसमें वेरिएशन को ध्यान से समझना बच्चों, चार्ज बढ़ने से पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में हम क्या देखेंगे बच्चों, चार्ज को देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो चार्ज डेंसिटी, अब मैं आपको बताता हूं यहां पर एक्चुअली में होता क्या है कि सिंपल यहां पर एक्चुअली में देखना ध्यान से कि मैं यहां पर दो टाइप के आयंस लेता हूं, ठीक है। एक मैंने लिया सीजियम, एक मैंने लिया लिथियम, ठीक है। एक मैंने लिया सीजियम आयन, एक मैंने लिया लिथियम आयन, ठीक है। अब देखो यहां पर प्लस चार्ज, यहां पर प्लस चार्ज। अब इसके चारों ओर क्या होंगे, हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो इसके चारों ओर आपके H2O मॉलिक्यूल आपके हो जाएंगे, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल आपके हो जाएंगे इसके चारों ओर, ठीक है। अब देखो ध्यान से H2O मॉलिक्यूल इसको चारों ओर से कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा होता है तो इसमें H2O मॉलिक्यूल आपके ज्यादा कवर करेंगे, इसमें H2O मॉलिक्यूल क्या होंगे बच्चों, अच्छे से कवर करेंगे। और उसका साइज क्या होता था बच्चों, छोटा होता था तो उसमें H2O मॉलिक्यूल कम कवर करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट देख सकते हो, इसमें H2O मॉलिक्यूल आपकी ज्यादा कवर करेंगे, क्यों, क्योंकि साइज बढ़ाए तो H2O मॉलिक्यूल आपकी ज्यादा नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इसके अंदर रहेंगे, इस तरीके से ज्यादा नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इसके अंदर इसको चारों ओर से कवर करके रखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें क्या होगा बच्चों, यहां पर इसमें आपका क्या होगा बच्चों, इसमें कम नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इसमें आपका अट्रैक्ट करके रखेगा, ठीक है। बात को ध्यान से समझना बच्चों, तो अगर मैं बोलना चाहूं और भी ध्यान से समझना, इसमें छोटा मॉलिक्यूल है लेकिन यहां पर देखो, यहां पर तो आपने साइज के हिसाब से बोल दिया, लेकिन अगर मैं बोलना चाहूं तो यहां पर आपका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर आपका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ध्यान से समझना, यहां पर आपका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है और यहां पर आपका चार्ज डेंसिटी क्या है बच्चों, इसका इसका चार्ज डेंसिटी कम है, इसका चार्ज डेंसिटी कम है। अब देखो चार्ज डेंसिटी आपने तो साइज के हिसाब से बता दिया, लेकिन साइज के हिसाब से हमको नहीं बताना है। देखो चार्ज डेंसिटी इसका कम होगा तो H2O मॉलिक्यूल ने कवर किया, लेकिन इसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से यहां ज्यादा आएगा, एक्चुअली में आपका यहां ज्यादा आएगा, यहां आपके ज्यादा नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल कवर कर लेंगे, ठीक है। जब ज्यादा नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल कवर कर लेंगे तो इसका जो हाइड्रेशन रेडियाई होगा, हाइड्रेशन रेडियाई मतलब H2O के साथ इसका जो हाइड्रेटेड रेडियाई होगा वो कम होगा, तो जस्ट उल्टा होगा। इन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रेशन रेडियाई ऑफ हाइड्रेशन रेडियाई आप देख लो Li एक्वस इज ग्रेटर देन यहां पर CS एक्वस। आप लोग नॉर्मली जानते हो कि CS का साइज बड़ा होगा, लेकिन यहां पर CS एक्वस का साइज छोटा हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा ड्यू टू चार्ज डेंसिटी। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, जिसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा उसका हाइड्रेशन रेडियाई आपका ज्यादा होगा, हाइड्रेशन रेडियाई क्या होगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। तो मतलब अगर मैं जो बोले एक्वस सॉल्यूशन में, तो एक्वस सॉल्यूशन में मैं साइज को उल्टा कर दूंगा। अब देखो ध्यान से, अभी यहां पर स्टार्ट नहीं हुआ है, अब मैं बात करता हूं आयोनिक मोबिलिटी, ठीक है, आयोनिक मोबिलिटी। अब देखो एक टर्म आता बच्चों यहां पर आयोनिक मोबिलिटी, जो कि आप लोगों को अभी से समझ के चलते हुए चलना है, ठीक है। एक टर्म आता है यहां पर आयोनिक मोबिलिटी को मैं आपको सिंपल बताता हूं, मूवमेंट ऑफ आयंस। अब देखो ध्यान से, अब इसका साइज छोटा है, ठीक है, जिसका हाइड्रेशन रेडियाई छोटा होगा वो
उस आयंस का मूवमेंट क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, और जिसका साइज बड़ा होगा उसका मूवमेंट क्या होगा बच्चों, कम होगा। आप लोग समझ सकते हो कि साइज बड़ा होता है तो मूवमेंट कम होता है, और अगर साइज छोटा होता है तो मूवमेंट ज्यादा होता है। तो कौन से आयंस की मोबिलिटी ज्यादा होगी? तो यहां पर मोबिलिटी ऑफ आयंस में अगर मैं बात करूं लिथियम और सीएस में, तो सीएस प्लस की आयोनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एलआई प्लस। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि क्या होता है बच्चों, एक्चुअली में यहां पर ग्रेटर इन साइज मतलब हाइड्रेशन रेडियाई, ग्रेटर इन साइज मतलब हाइड्रेशन रेडियाई विल बी लेस मोबाइल, वो आपका लेस मोबिलिटी होगा। उसकी मोबिलिटी क्या होगी बच्चों, लेस होगी। और यहां पर ग्रेटर इन साइज में होगा तो लेस मोबिलिटी होगी। तो अगर बच्चों यहां पर बोल देता हूं मैं सिंपल, हाइड्रेशन रेडियाई हम क्या बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनिक मोबिलिटी। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग इसको। तो यहां पर इस तरीके से हमने हाइड्रेशन रेडियाई को समझा है बच्चों, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि आज डाउन टू पीरियड जाएंगे, पीरियड में मैंने आपको ट्रेंड भी बता दिया है। ठीक है, इसका हम काफी हद तक यूज करने वाले हैं आगे के क्लासेस में, केमिकल बॉन्डिंग में, तो इसलिए मैंने यहीं पर बता दिया आपको। अब हम चलते बच्चों नेक्स्ट आपका एनर्जी, लेटाइस एनर्जी। ठीक है, लेटाइस एनर्जी के बारे में समझेंगे। यहां पर देख लेते हैं बच्चों लेटाइस एनर्जी। तो देखते हैं बच्चों यहां पर एक एक करके लेटाइस एनर्जी आपका होता क्या है। लेटाइस एनर्जी, अब बात को ध्यान से समझना, फिर से मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, आपको इक्वेशन के हिसाब से डेफिनेशन को समझना है। देखो यहां पर बी माइनस सॉलिड, ठीक है, ए प्लस गैस और B माइनस गैस, ठीक है, ये मैंने लिखा। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या होगा बच्चों, आयोनिक सॉलिड होगा। कौन सा होगा? आयोनिक सॉलिड। ठीक है, अब ध्यान से समझना, रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक वन मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस, मतलब हम क्या बोलते हैं बच्चों यहां पर, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यहां से जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेटाइस एनर्जी। ठीक है, अब यहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, रिक्वायर्ड एनर्जी होगी तो यहां पर क्या होगा, ये आपका इसके लिए आपके डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान से समझ सकते हो बच्चों, काफी ईजी कंसेप्ट है। अब इसका एक्चुअली में जो रिलेशन होता है, लेटाइस एनर्जी इज डेनोटेड बाय यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू प्लस इनटू क्यू माइनस डिवाइड बाय आर नॉट। हियर आर नॉट इज आर प्लस आर माइनस। ठीक है, R प्लस एंड R माइनस। अब बात को ध्यान से समझो एक और बार कि यहां पर लैटाइस वो एनर्जी इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पर देखो ग्रुप में बात करूंगा तो ग्रुप में हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूंगा तो इन ग्रुप वी कैन से दैट, ग्रुप में क्या होगा बच्चों, ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो यहां पर क्या होगा, देखो टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो यहां पर आपका क्या होगा, साइज बढ़ेगा। मतलब क्या बढ़ेगा बच्चों, साइज आपका इंक्रीज होगा। इसका मतलब लैटाइस एनर्जी आपका क्या हो जाएगा बच्चों,
डिक्रीज हो जाएगा, लैटाइस एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बट अब देखो इन ग्रुप में हमने बोल दिया, लेकिन इन पीरियड वी कैन नॉट जज प्रॉपर वेरिएशन, ठीक है, हम प्रॉपर वेरिएशन जज नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज ऑल्सो, ये आपका चार्ज पर भी डिपेंड करेगा, इसलिए हम इसका प्रॉपर वेरिएशन नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यहां से यहां जाएंगे तो साइज भी छोटा होगा और चार्ज भी आपका वेरी करेगा। तो अगर मैं चार्ज के हिसाब से देखना चाहूंगा, तो आप लोग समझ सकते हो बच्चों कि जैसे ही मैं, अगर देखो आप लोग जानते हो, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, पीरियोडिक टेबल में अगर मैं यहां से यहां मूवमेंट करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर सोडियम, यहां पर पोटेशियम, यहां पर एल्यूमिनियम, ठीक है, इस तरीके से तीन चार्ज हो जाएंगे, इस तरीके से आपके तीन चार्ज हो गए। यहां पर सॉरी सोडियम के बाद यहां पर आ जाएगा मैग्नीशियम प्लस टू। अब देखो यहां से यहां जा रहे तो चार्ज बढ़ रहा है, अब चार्ज बढ़ेगा तो आपका लैटाइस एनर्जी भी क्या होगा, यूजुअली आपका लैटाइस एनर्जी भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं पीरियोडिक टेबल में यहां पर देखो कि इन द केस ऑफ कैटायन, मैंने यहां पर कैटायन के केस में बताया, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, अगर मैंने यहां पर इस तरीके से बताया होता लेफ्ट टू राइट, और मैं एनायन के केस में बात करता N3-O2- और यहां पर F-, तो चार्ज यहां से यहां बढ़ रहा है, तो इसका मतलब लैटाइस एनर्जी लेफ्ट टू राइट आपका इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट आपका लैटाइस एनर्जी इंक्रीज होगा। तो यहां पर ये किसके लिए बच्चों, एनायन के लिए। मैं जो एरो बना रहा हूं ना वो बच्चों में इंक्रीमेंट के हिसाब से बना, ठीक है, एरो जो बना रहा हूं बच्चों में इंक्रीमेंट के हिसाब से बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब देखो यहां पर तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है, इसके बारे में उतना नहीं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एनर्जी क्या है, क्या चीज नहीं है, ठीक है, आपको इतना ही पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा अभी पीरियोडिक टेबल में। अब हाँ, इंपॉर्टेंट टर्म यह है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैटाइस एनर्जी we will use Born-Haber cycle। हम किसका यूज करेंगे बच्चों, Born-Haber cycle का, लैटाइस एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए हम किसका यूज करेंगे, Born-Haber cycle का। तो ये तो इक्वेशन आप लोग जानते हो, Na प्लस Cl2 हाफ Cl2 गिव्स व्हाट, NaCl, ठीक है, NaCl, ये आपका क्या होगा बच्चों, सॉलिड होगा, ठीक है, जैसा मैंने लैटाइस एनर्जी का इक्वेशन लिखा था, ये आपका क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना, ये आपका क्या है, सॉलिड है, ये आपका गैस है, ठीक है। अब मुझे एक एक करके बताओ कि जहां पर जो लैटाइस एनर्जी होता है वो क्या होता है, AxBy, ठीक है, ऐसा होता है, AxBy होगा, ये आपका सॉलिड कंपाउंड होगा। अब सॉलिड कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट होंगे, तो इसका मतलब यहाँ वाई, यहाँ एक्स, और यहाँ पर आपका वाई, और ये यहाँ पर ये प्लस, ये माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपका गैसियस आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, गैसियस आयन में कन्वर्ट हो रहा है, कितने गैसियस आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, देख सकते हो आप। तो इन सब के मुझे आयोनिक फॉर्म चाहिए, इन दोनों के मुझे क्या चाहिए, आयोनिक फॉर्म चाहिए और उसका गैसियस फॉर्म भी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस सॉलिड को सब्लिमेट कर ले, इसको जब हम सब्लिमेशन देंगे, ही डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन जैसे ही हम देंगे बच्चों, तो यहां पर क्या बन जाएगा, Na प्लस गैस बन जाएगा। बात क्लियर है, Na गैस बन जाएगा। नाउ अब मुझे देखो, यहां पर आप लोग जानते हो कि अगर आपको सॉलिड टू गैस, ध्यान से समझना, यहां पर अगर आपको सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, सब्लिमेशन एनर्जी दोगे, कौन सा दोगे, सब्लिमेशन।
अब देखो आपके पास कोई गैसियस आयन आ गया है, मतलब जैसे AX आप यहां पर A गैसियस आयन आ चुका है, ठीक है। अब गैसियस आयन में आपको पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है, तो आप क्या करोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे। तो यहां पर आपका पॉजिटिवली क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसको आयोनाइज किया, आयोनाइजेशन एनर्जी दिया, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, Na प्लस, और यहां पर गैसियस मीडियम, ठीक है। देखो एक चार्ज आपका गैसियस आयन में आ चुका है, ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। नाउ नेक्स्ट अब हम समझते बच्चों, सबसे पहले यहां पर सीएल देखो यहां पर ये आपका कौन से स्टेट में होना चाहिए। अब देखो यहां पर देखो सीएल टू सीएल माइनस करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब बी गैस टू बी माइनस करेंगे तो यहां पर क्या होना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, बात तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन ये आपका कौन से कंडीशन में होने चाहिए, दोनों के दोनों आइसोलेटेड, कौन से कंडीशन में, आइसोलेटेड। लेकिन यहां पर कौन से कंडीशन में, सीएल टू सीएल टू मतलब कंबाइंड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में। यहां पर ये किस में फॉर्म में बच्चों, कंबाइंड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में। लेकिन मुझे कौन से फॉर्म में चाहिए, आइसोलेटेड फॉर्म में चाहिए, तो कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो सीएल 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 के बीच आपका बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, पक्की बात है। और कितने मोल है, हाफ मोल है, तो हाफ मोल के लिए मुझे कितना बॉन्ड डिसोसिएशन वो एनर्जी लगने वाला बच्चों, हाफ मोल। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो, यहां पर फटाफट बोलो, तो यहां पर आपका हाफ मोल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगा, बात क्लियर है। तो यहां पर आपका सीएल गैस आपको ऑप्टेन हो जाएगा। नाउ इसमें जैसे ही मैं माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एनर्जी रिलीज फिनोमिना, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, सीएल माइनस गैस। अब आप लोग जानते हो कि ये दोनों जब आपके एड हो जाएंगे, ये दोनों जब आपके एड होंगे तो ये बनेगा सॉलिड। अब देखो यहां से यहां जा रहे थे, तो यहां से यहां आपका क्या था बच्चों, एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, बात समझना। लेकिन अगर उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी आपकी रिलीज होगी, उल्टा जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। देखो यहां पर आपका कैटायन गैस में और एनायन भी गैस में, देखो कैटायन भी गैस में, एनायन भी गैस में, तो इसका मतलब यहां से उल्टा फिनोमिना हो रहा है, तो एनर्जी आपकी क्या होगी, रिलीज होगी। तो लेटेस्ट वो एनर्जी के लिए क्या क्या करेंगे, डेल्टा यू। अब देखो ध्यान से, Na सॉलिड और Cl गैस से ये बना, तो इसको हम एक साथ क्या बोलेंगे, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब देखो अब यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, इसी इक्वेशन को एडअप करेंगे, देखते हैं इस इक्वेशन को एडअप करते हैं बच्चों, ठीक है, एडिंग करेंगे इस इक्वेशन का। तो यहां पर मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूं, इससे मुझे ये ऑब्टेन करना है, इससे मुझे ये ऑब्टेन करना है, तो इसके लिए डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू, इससे मुझे पहले, इससे मुझे ये ऑब्टेन करना है, तो मुझे इन सभी फिनोमिना से प्रोसीड होना पड़ेगा। तो एक एक करके देखते हैं, तो सबसे पहला डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन होगा, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज फॉर व्हाट, सोडियम, ठीक है। नाउ अब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब ध्यान से समझना बच्चों, बॉन्ड को फॉर्म करने में, ए से ए बी, ए बी को फॉर्म करने में, ए बी बॉन्ड को फॉर्म करने में आपका एक्सोथर्मिक फिनोमिना होता है, एक्सोथर्मिक होगा, मतलब डेल्टा एच आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ए बी बॉन्ड को डिसोसिएट करने में कौन सा फिनोमिना होगा, एंडोथर्मिक। तो यहां पर आपका कौन सा होगा बच्चों, ये आपका पॉजिटिव टाइप का होगा, तो यहां पर पॉजिटिव हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट आपका ई ए माइनस ई ए और आपका माइनस यू, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लेटाइस एनर्जी। अब आपको कैसे फाइंड आउट करना होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं, आपको क्या होगा कि ये वाली वैल्यू और गिवन होगी, ये वाली वैल्यू 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 गिवन होगी, आपको केवल और केवल क्या लिखना है, लेटाइस एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं इसके बेसिस पे, राइट डाउन द बॉन्ड हैबर साइकिल फॉर MgCl2। अब समझना बच्चों, यहां पर राइट डाउन द बॉन्ड हैबर साइकिल,
बॉन्ड हैवर साइकिल फॉर, बॉन्ड हैवर साइकिल फॉर MgCl2। आपको MgCl2 के लिए बॉन्ड हैवर साइकिल लिखना है। अब देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले समझो बेचो, Mg+Cl2Cl, यहाँ पर Cl2, ठीक है, Cl2 gives what? MgCl2, this is, यहाँ पर आपका गैस और ये आपका सॉलिड। अब देखो ये आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन आप थर्मोडायनेमिक में पढ़ोगे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, सिंपल समझना। अब अगर जैसे मुझे ग्लूकोज का हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है, ध्यान से समझना, जैसे मुझे ग्लूकोज का हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ग्लूकोज का अगर मुझे लिखना है तो यहां पर समझना, यहां पर कार्बन जो अपने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वही लिखना है। तो कौन कौन से कार्बन, कार्बन आपके कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में, ठीक है। हाइड्रोजन यहां पर अपने कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में, ठीक है, यहां पर ग्रेफाइट के फॉर्म में, मतलब सॉलिड, ठीक है। ऑक्सीजन आपके कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O के फॉर्म में, देखो O2 के फॉर्म में गैस। तो इन सब से आपका जो बनेगा वो आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसको 6 कर दो, इसको 6 कर दो, और इसको भी, इसको 3 कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा। देखो मैंने क्या किया कि इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से बने बच्चों, एमजी से बना, तो एमजी सॉलिड होता है, सीएल2 आपका गैस होता है। इसके आपके एग्जिस्टिंग फॉर्म में लिखना है, यहां पर आपके इसके एग्जिस्टिंग फेज में लिखना है, ठीक है। एग्जिस्टिंग फेज में आप पूरे को ब्रेक डाउन करके लिख सकते हो। इस तरीके से हम हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं, लेकिन यहां पर आपका 1 मोल होना चाहिए, ये आपका एक ही होना चाहिए, तभी आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन करेक्ट होगा। देखो यहां पर 1 है ना, तो इसीलिए यहां पर हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखने का तरीका है बच्चों ये। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में NaCl के लिए लिखा था बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन, या आप फिजिकल में पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा कोशिश करो समझने की। देखो यहां पर NaCl के लिए मैंने लिखा था, तो NaCl को 1 माना था। अब NaCl में 2 चीज है, एक तो आपका Na सॉलिड है, एक आपका Cl आपका Cl2 में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, इसको हाफ करना पड़ेगा, और ये गैस, क्योंकि मुझे यहां पर कंपलसरी है कि इसको मुझे 1 करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर 1 करके रखा। अब देखो, अब इसमें मुझे लिखना है वोलेटाइल एनर्जी, इसके लिए मुझे कंप्लीटली बॉन्ड हैवर साइकिल बनाना है। तो सबसे पहले सॉलिड को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, गैसियस आयन में। तो सॉलिड को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, गैसियस आयन में। अब मुझे यहां पर आप देख सकते हो कि MgCl2 कैसे बना होगा बच्चों, MgCl2 यहां पर Mg2+ और 2Cl- ऐसे बना होगा बच्चों, ठीक है। इसे बोलेंगे हम क्या, लेटाइस वो एनर्जी। अब मुझे क्या क्या चाहिए यहां पर, ये मुझे गैस में चाहिए, ये मुझे गैस में चाहिए, मुझे क्या क्या गैस में चाहिए, Mg+2 ना कि Mg+1। तो मुझे 2 बार आयोनाइजेशन, यहां पर एनर्जी लगाना पड़ेगा, यहां पर क्या आ जाएगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, मुझे यहां पर Mg+2 चाहिए। तो 1 बार आयोनाइजेशन एनर्जी लगा दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, IE1, और एक और बार जैसे ही मैंने लगा दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, IE2। तो यहां पर Mg+2 मुझे ऑप्टेन हो गया। अब Cl से मुझे ये ऑप्टेन करना है। देखो यहां पर 1 मोल है। अब मैंने आपको बॉन्ड डिसोसिएशन में बताया था कि Cl-Cl के बीच बॉन्ड होगा, तो इसको डिसोसिएट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन वो एनर्जी। यहां पर 1 मोल है, तो यहां पर भी कितना मोल होगा बच्चों, 1 मोल होगा। अब देखो Cl2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगा दिया बच्चों मैंने यहां पर, तो यहां पर आपके 2 Cl बने। कितने Cl बने बच्चों, 2 Cl आयन बने। एक Cl ये बना, एक Cl ये बना, ठीक है, एक Cl ये बना, एक Cl ये बना। ये भी आपका गैसेस फेज में, ये भी आपका गैसेस फेज में। अब यहां पर Cl को आपको माइनस में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर Cl को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूज करेंगे। ये आपका Cl- या आपका Cl-, ठीक है। अब आप गौर करो, दोनों Cl है, दोनों ये आपका अलग अलग Cl है, लेकिन Cl की क्वांटिटी सेम है। तो अगर मैं बात करूंगा बच्चों यहां पर, तो Cl-Cl अगर आपका सेम होगा तो यहां पर माइनस चार्ज आती क्या हो जाएगा, दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी बच्चों, सिमिलर। दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पर सिमिलर। अब देखो दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पर आपकी सिमिलर हो चुकी है, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, कि यहां पर मैं इन सबको एक साथ क्या लिख सकता हूं बच्चों,
एक साथ में ऐसा लिख सकता हूं, 2Cl गैस इज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस यहां पर 2 माइनस गैस, ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों Cl तो सिमिलर है, यहां पर ये अलग अलग था, Mg अलग था, Mg प्लस 1 अलग कंपाउंड है, लेकिन यहां पर दोनों Cl तो एक ही है ना, तो एक Cl में एक एक Cl में आपका आपका माइनस माइनस ई है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो दो Cl में दो माइनस ई है। अब इन दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जब आपस में मिलेंगे गैसियस आयन के, तो आपका क्या होगा, लैटाइस वो एनर्जी। अब देखो ध्यान से, सॉलिड में कन्वर्ट, सॉलिड से आपके गैसियस आयन में कन्वर्ट कर रहे, तो एनर्जी क्या हो रही है, रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, यहां पर रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड एनर्जी, ये फिनोमिना रिक्वायर्ड है। जब मैं उल्टा जाऊंगा तो क्या होगा बच्चों, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज्ड होगी, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव में, तो यहां पर डेल्टा यू मतलब नेगेटिव साइन आएगा। ये तो था आपका लैटाइस एनर्जी, बॉन्ड हैवर साइकिल मैंने बना दिया, लेकिन अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहूंगा तो मैं किस तरीके से लिखूंगा बच्चों, थोड़ा सा समझ लो बच्चों इसको, थोड़ा सा कंसेप्ट चले तो देख लेते हैं। यहां पर डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन फॉर्मेशन इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन सारी प्लस ई ए वन प्लस ई ए टू, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस टू ई ए, यह आपका क्लोरीन के लिए, ठीक है, माइनस टू ई ए, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस यू, ये आपका इक्वेशन बनेगा इसके लिए, ठीक है, लैटाइस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ये आपका इक्वेशन बनेगा। थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है, काफी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिंपल फिनोमेना है, ठीक है, आप लोगों को अगर एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां तक हमने लैटाइस एनर्जी को कंप्लीट किया, ठीक है, अब आगे चलते बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। बेटा इसके जो ऑर्डर वाले क्वेश्चन है वो एक्चुअली में आपके आएंगे कहां पर, वो एक्चुअली में आपके आएंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो वो मैं केमिकल बॉन्डिंग में लूंगा, लेकिन आपको अभी बस इतना सा समझना है कि लैटाइस एनर्जी क्या होता है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा मैंने क्यों बताया था आप समझना। ऑक्सीडेशन जनरली आपका ऑक्सीडेशन जो फिनोमिना होता है, ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपका क्या होता है आप बताओ जल्दी से, ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपका क्या होगा और रिड्यूसिंग प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग नेचर, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा बच्चों, आप अपने आप रिड्यूसिंग नेचर होगा उसका, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट उल्टा होता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे या फिर हम उसको, ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ऑक्सीडेशन, अब Na से अगर मैं Na सॉलिड में देखो, यहां पर Na प्लस एक्वस कर दिया, ठीक है, Na प्लस एक्वस कर दिया, ध्यान से समझो बच्चों, Na प्लस एक्वस किया, यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन को गिव किया, तो ये जो फिनोमिना होगा, ये फिनोमिना क्या होगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। यहां पर Na ना लेके A ले लो बच्चों, ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, या फिर हम यहां पर क्या बोलेंगे इसको, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब बात को समझना, रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, अब बात को ध्यान से समझना, यहां पर ये नेचर में कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेचुरल फॉर्म, यहां पर इसका नेचुरल फॉर्म लिखना है हमेशा, कौन सा फॉर्म लिखना है, नेचुरल फॉर्म, नेचुरल फॉर्म में आपका जो आपका मेटल होता है, मेटल आपका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मेटल आपका क्या कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बच्चों, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो ये मैंने लिखा। अब इन सभी रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, एक्चुअली कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व आपकी हो रही होगी, तो दिस फिनोमिना इन्वॉल्व्स दिस, इन दिस फिनोमिना, इन दिस फिनोमिना, इन दिस फिनोमिना, फिनोमिना इन्वॉल्व्स फॉलोइंग रिएक्शन,
इन दिस फिनोमिना इन्वॉल्व्स फॉलोइंग रिएक्शन. विच रिएक्शन आर यूज्ड इन दिस फिनोमिना. आपके इस फिनोमिना में कौन कौन सी रिएक्शन है आपकी इन्वॉल्व हो रही है बच्चों, जल्दी से बताओ. इस फिनोमिना में आपके देखो, एक तो आपका ए सॉलिड टू आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए गैस में. देन आफ्टर दिस इज व्हाट, एच ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, बोल सकते हैं. यहां पर आपका क्या होगा, एच यहां पर आपका प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, प्लस यहां पर माइनस एच ऑफ हाइड्रेशन. मैंने आपको बताया था हाइड्रेशन एनर्जी आपका नेगेटिव साइन में होता है, ये आपका एक्वस मीडियम में कन्वर्ट होगा. देखो मैंने आपको उस टाइम सिंपल बताया था कि किस तरीके से होगा, लेकिन अभी समझो, ठीक है. यह आपका क्या होगा, ए प्लस एक्वस, ठीक है. तो अगर मैं बात करूं कि टोटल इस रिएक्शन के लिए, तो इस रिएक्शन के लिए रिड्यूसिंग नेचर के लिए जो एंथैल्पी निकलेगी, यहां पर जो हीट का जो चेंज होगा, यहां पर जो चेंज इन हीट होगा वो क्या होगा, चेंज इन हीट यहां पर क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर चेंज इन हीट यहां पर डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, प्लस आई ई माइनस एच हाइड्रेशन एनर्जी. अब यहां से आप लोग समझ सकते हो कि यहां से आप तीन फैक्टर को बोल सकते हो, यहां पर आप थ्री फैक्टर्स को बोल सकते हो. यहां पर देखो, यहां पर तीन फैक्टर आप लोग बोल सकते हो. कौन कौन से फैक्टर, कि जो आपका यह आपका रिड्यूसिंग नेचर होगा, ये हीट जितनी कम ये वाली हीट आपकी रिलीज होगी, जितनी कम ये वाली हीट आपकी रिलीज होगी उतना आपका यहां पर डेल्टा एच आ गया, ठीक है, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन प्लस ई आई प्लस हाइड्रेशन एनर्जी. अब देखो यहां से यहां मूवमेंट होने में जितना इजी होगा उतना अच्छा आपका रिड्यूसिंग नेचर होगा, ठीक है. तो यहां पर हम टोटल सम बता दिया बच्चों मैंने, ठीक है. तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, देखो सब्लिमेशन अगर आपका ज्यादा होगा तो आपका रिड्यूसिंग नेचर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो सब्लिमेशन, ठीक है. अब यहां पर ध्यान से समझना, तो रिड्यूसिंग नेचर आपका किसके ऊपर, यहां पर सिंपल बोल सकते हैं हम, यहां पर 1/Δh ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, यहां पर बोल सकते हैं 1/Ei मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी. ये तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यहां पर आपका हाइड्रेशन. हाइड्रेशन के लिए आपको यहां पर हाइड्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कम होगी, तो यहां पर आपका हाइड्रेशन. इस तरीके से मैंने आपको बताया होगा कि जितना ज्यादा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा उतना ज्यादा आपका रिड्यूसिंग नेचर, क्योंकि ये फटाफट आपका इसमें ट्रांसफर हो जाएगा. तो जरूरी नहीं है कि आपका आयोनाइजेशन एनर्जी पे कंप्लीटली डिपेंड करता है, आपका किस पर डिपेंड करता है, हाइड्रेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करता है. थोड़ा सा इस चीज को समझना है, इस इक्वेशन को ध्यान रखो, बस समझ के रखो, आपके आगे काम आएगा. मैं आगे जो क्वेश्चंस लूंगा अब इसके पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, तो उसमें इन सबको इंक्लूड करूंगा, कंक्लूड करते हुए क्वेश्चंस लूंगा मैं. थोड़ा सा इसको समझना, इसकी डीपीपी आपके पास नहीं आएगी बच्चों, क्योंकि इसकी डीपीपी नहीं है बच्चों, इसकी डीपीपी आपके पॉसिबल नहीं है बनाना अलग से, तो इसकी डीपीपी नहीं मिलेगी, ठीक है. ये आपके क्वेश्चन के थ्रू ही मैं इसको डिस्कस करूंगा सारे, ठीक है. तो इसको समझ लेना. यहां पर आप देखो, रिड्यूसिंग नेचर आपके सब्लिमेशन के इनवर्सली, जितना कम आपके हीट ऑफ सब्लिमेशन होगा उतना अच्छा आपका होगा, ठीक है. अगर मैं यहां पर बोलना चाहूं कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं, CS एक्वस और यहां पर आपका Li एक्वस. अब बताओ बच्चों, CS एक्वस आपका हाईली रिड्यूसिंग नेचर का होगा कि Li एक्वस,
ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर CS एक्वस आपका हाईली रिड्यूसिंग नेचर का होगा कि Li एक्वस, अब आपको इसको बताना है। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ CS और Li में आपको बताना है, छोड़ो इसको छोड़ो, CS और Li में दोनों में से कौन आपका हाईएस्ट रिड्यूसिंग नेचर का होता है, ठीक है, एंड CS Li, अब आपको दोनों में बताना है। अगर मैं CS के लिए यहाँ पर Li के लिए कैलकुलेट करूंगा तो Li और के लिए जो आपके हाइड्रेशन एंड एनर्जी होगी, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन एंड एनर्जी फॉर Li इज वेरी 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 ग्रेटर देन डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑफ CS, ठीक है, CS से हाइड्रेशन एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा होगी। जब CS से हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो इसमें क्या होगा बच्चों, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो यहां पर अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो लिथियम के केस में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इन द केस ऑफ लिथियम इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यहां पर आपका टोटल क्या होगा, इन द केस ऑफ लिथियम समझ लेना, इन द केस ऑफ लिथियम, लिथियम के केस में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और टोटल जो माइनस वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डेल्टा एच आपका डिक्रीज होगा। लेकिन यहां पर CS के लिए जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है बच्चों वो कम होती है, CS के लिए हाइड्रेशन एनर्जी आपकी क्या होती है बच्चों, कम होती है। अब CS के लिए जब आपकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी नहीं होती जितनी आपकी लिथियम की होती है, एज कंपेयर टू लिथियम आपकी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, कम होगी एज कंपेयर टू लिथियम, एज कंपेयर टू लिथियम, लिथियम के कंपेयर में कम होगी, कम होगी तो यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू एज कंपेयर टू, यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू यहां पर क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी एज कंपेयर टू किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू लिथियम। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट जो हीट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बच्चों, कम आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि एक्वस कंडीशन में H2O के कंडीशन में आपकी किसकी, लिथियम प्लस आपका ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा एज कंपेयर टू यहां पर CS एक्वस, मतलब CS एक्वस से ज्यादा रिड्यूसिंग कौन होगा, लिथियम प्लस। ये अभी अभी मैंने बताया था हाइड्रेशन एनर्जी, आप लोग देख सकते हो वहां से, ठीक है, मोबिलिटी अभी अभी बताया था, इसीलिए मैंने बताया था आप लोगों को ताकि आपको रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में कंप्लीटली आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब देखो यहां पर समझते हैं, अब हम ऑक्सीडेशन नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है, अब देखते हैं यहां पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब देखो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर या फिर हम बोलते हैं रिडक्शन। अब देखो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिडक्शन को समझते हैं, तो रिडक्शन आपका क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर रिडक्शन फिनोमिना, जैसे मेरे पास आपका F2 है, ठीक है, F2 है, ध्यान से समझना जी, जैसे मेरे पास आपका F2 है ऑक्सीडाइजिंग, हाँ जी, जैसे मेरे पास F2 है, F2 में अगर यहाँ पर F- एक्वस करना है, यह आपका गैसियस है, यह आपका कौन सा बॉन्ड है, गैसियस है, यहाँ से आपका डेल्टा एच आपका रिलीज होगा इसी तरीके से, या फिर मैं Cl2 गैस कर दूँ, यहाँ पर अगर मैंने Cl- एक्वस कर दिया तो यहाँ पर भी डेल्टा एच आएगा। अब ध्यान से समझना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको प्रोसीड करने के लिए हमें कौन कौन से फिनोमिना से प्रोसीड होना पड़ेगा, तो अबव रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग रिएक्शन, अबव रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग रिएक्शन आपके ऊपर वाले रिएक्शन कुछ रिएक्शन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कौन कौन से, देखो सबसे पहले F2 गैस को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, F में, तो F गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेगा बच्चों, अभी अभी बताया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देन इससे मुझे क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, विच इज इन नेगेटिव साइन, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा F-, ठीक है, ये आपका हो गया गैसियस मीडियम में। नाउ इसमें जब मैं H2O से ऐड करूंगा तो यहां पर F- एक्वस हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्रेशन एनर्जी,
ठीक है। अब आप देख सकते हो बच्चों यहां पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए अब आप यहां पर देख सकते हो बच्चों आप कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन समझना बच्चों, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, डेल्टा एच इक्वल टू बी डी। सबसे पहले बी डी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस ई ए माइनस हाइड्रेशन, ठीक है ऐसा बनेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, ऑक्सीडेशन नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर ये बढ़ेगा तो डेल्टा एच की वैल्यू बढ़ेगी, तो मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू घटेगी क्योंकि ये आपका नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रेशन वैल्यू भी बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। तो इसके केस में हम इस तरीके से देखते हैं बच्चों, ठीक है इसके केस में हम इस तरीके से देखते, थोड़ा सा इस तरीके से हमको इसको समझना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर और आपका रिड्यूसिंग नेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, अब आप लोग समझ सकते हो बच्चों, काफी इजी है, ठीक है एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे हर टॉपिक में, एस ब्लॉक पीपी ब्लॉक डी डी ब्लॉक इन सब में हम इसको काफी डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोगों को इतना समझ लेना है कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, बस ये ध्यान रखना है कि ये फिनोमिना आपके किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है कोई नहीं बताएगा बच्चों, सब सिंपली बोल देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप लोग ढूंढ सकते हो, ढूंढोगे तो आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, इसमें कुछ आपको नया देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है इसमें कुछ आपको नया देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाला। जब आपको नया देखने को ही नहीं मिलेगा बच्चों तो क्या क्या करोगे आप लोग, खुद ही बताओ, तो आप लोग क्या करोगे जब आपको इसमें नया देखने को ही नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करोगे बच्चों। तो इस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं। नाउ अब एक छोटा सा कंसेप्ट आता है बच्चों कि अब ध्यान से समझना, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है मतलब मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसको भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर ध्यान से, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अब देखो अगर मैं ध्यान से समझना कि अगर मैं ग्रुप में देखो यहां पर वेरी गुड बहुत अच्छा, अब देखो अगर मैं पीरियोडिक टेबल में यहां से यहां मूवमेंट करूंगा तो आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर इजीली डोनेट करेगा, इजीली एच प्लस डोनेट करेगा, तो यहां पर आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है मैंने आपको वैसे ही बताया हुआ है, इसको मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और यहां से यहां मूवमेंट करूंगा तो आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इसका मतलब आपका क्या होगा बच्चों, यहां से यहां मूवमेंट करूंगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपका क्या होगा बच्चों, कम होगा, मतलब इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो अगर जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा उतना अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, उतना अच्छा क्या हो जाएगा बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अगर मैं सिंपल बात करूं इन पीरियोडिक टेबल में, ना कि मैं गैसियस स्टेट एक्वस स्टेट की बात कर रहा हूं, यहां पर सिंपल बात कर रहा हूं, तो यहां से यहां जाएंगे तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर मैं नॉन मेटल की तरफ मूव करूं, ठीक है यहां से यहां मूव करूंगा तो नॉन मेटलिक, अगर नॉन मेटल के केस में होगा तो नॉन मेटल के केस में जस्ट आपका उल्टा हो जाएगा, नॉन मेटालिक के केस में आपका यहां पर ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगा, ठीक है थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझना, इस यहां से यहां मूवमेंट करेंगे तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होगा, और यहां से यहां इंक्रीज करेंगे तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से समझना, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऊपर जाने पर इंक्रीज होगा और इस तरफ जाने पर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं